तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसी चीज़ों की जो माइनक्राफ्ट के न्यू अपडेट में आनी चाहिए या फिर आगे के अपडेट में आनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है सीप का मिल्क। गाइस सीप का मिल्क आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब मिल्क की ज़रूरत होती है तो हम काऊ को ढूंढते हैं और उस वक्त काऊ हमें मिलती ही नहीं है। तो सीप के मिल्क से आने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम दोनों का मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और गाइस हमें बार बार काऊ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अगर सीप भी दिख गई तो हम सीप का मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीप का मिल्क आ जाए तो ये बहुत अच्छा चीज़ होगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारी दूसरी चीज़ की ओर। तो गाइस जो सेकेंड चीज़ आती है वो एक न्यू डायमेंशन, क्योंकि हम तीन डायमेंशन खेल खेल के बोर हो चुके हैं और अब फोर्थ डायमेंशन आनी चाहिए। और गाइस बहुत ज़्यादा चांस है कि अब फोर्थ डायमेंशन आएगी, 1.20 में भी आ सकती है, क्योंकि जो एशियंट सिटी है वहाँ पे एक पोर्टल बना हुआ है वो एक्टिवेट नहीं है। तो हो सकता है वो 1.20 में एक्टिवेट हो जाए और वहाँ पे एक न्यू डायमेंशन खुल जाए, हो भी सकता है। लेकिन भाई कुछ भी हो, हमें एक न्यू डायमेंशन चाहिए क्योंकि तीन डायमेंशन खेल के अब बोर हो चुके। तो गाइस जो थर्ड चीज़ है उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ की जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से ट्रेवल कर सके। गाइस मानता हूँ कि माइनक्राफ्ट में हॉर्स और एलाइट्रा है, लेकिन हम हॉर्स को सेडल के बिना यूज़ नहीं कर सकते और एलाइट्रा लाना बहुत मुश्किल है। तो एक ऐसी चीज़ लानी चाहिए माइनक्राफ्ट को जिसे हम क्राफ्ट कर सके और एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से जा सके, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है। गाइस जो फोर्थ चीज़ आती है वो एक स्ट्रक्चर आना चाहिए, वो भी एंड में, क्योंकि जब से एंड आया है तब से वहाँ पे एक भी स्ट्रक्चर नहीं आया। और अगर क्या हो कि वहाँ पे एंड में एक एंड विलेज आ जाए तो गाइस मज़ा ही आ जाए, लेकिन ये शायद ही हो। एंड विलेज आने का चांस बहुत कम है। एंड में एक और स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। तो गाइस जो फिफ्थ चीज़ आती है वो एक नाइफ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ चाकू की, नाइफ की, क्योंकि गाइस हमें नाइफ की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन हमें स्वॉर्ड बनाने के लिए दो आयरन या दो डायमंड लगते हैं और एक सब बनाने के लिए तीन डायमंड या तीन आयरन। लेकिन नाइफ को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो एक आयरन या एक ही डायमंड से बन जाए, जिससे हमारे ये फ़ायदा होगा कि हमें एक से या स्वॉर्ड के लिए ज़्यादा डायमंड या वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये होना चाहिए कि एक से का और स्वॉर्ड का डैमेज नाइफ से ज़्यादा हो, नाइफ का डैमेज कम होना चाहिए, लेकिन नाइफ यूज़लेस होना चाहिए। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।